अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुश्ताक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबको वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्ले स्टोर में यूफोन सेम बैलेंस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मैसेज करते हैं कि यूफोन की सेम बैलेंस ऐड करने का तरीकाकार हमें बता दें। यूफोन सेम बैलेंस को ऐड करके आप पबजी की यूसी और इसके अलावा फ्री फायर की बीसी वगैरह आप बाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो ऐप पैसों पर होते हैं उनको अभी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपकी जो ऊपर पिक्चर वगैरह होती है इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ये फर्स्ट पे पेमेंट मेथड्स लिखा है इसके ऊपर क्लिक करें। पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह की सेला का नज़र आएगा, पेमेंट मेथड्स और ये बाकी लिखाई। तो यहाँ पर एड यूफोन बैलेंस जो है इसके ऊपर क्लिक करें। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आपके पास SMS जो है वो फ्री हों या आपके जो मोबाइल सेम है उसमें बैलेंस होना लाजमी है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐड यूफोन बैलेंस के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एनेबल के ऊपर क्लिक करें। एनेबल के ऊपर क्लिक किया, सेंडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन टेक्स्ट टू यूफोन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यूफोन सेम बैलेंस था वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है ना। और इसको रिमूव करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस दूसरे में आप लोगों को बताता हूँ। तो इसमें भी प्ले स्टोर में जाएँ, ठीक है ना। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो ये निशान सा है इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में जाएं और पेमेंट मेथड्स में जाएं। पेमेंट मेथड्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें मेरे पास ऑलरेडी SMS फ्री है। और ऐड यूफोन बैलेंस के ऊपर क्लिक करें, यू कैन ऐड परचेज डायरेक्टली टू यूअर यूफोन बेल। इधर से एनेबल के ऊपर क्लिक करें, सेंडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन टेक्स्ट टू यूफोन, इस पर वर्क जारी है और आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम दे सकते हैं, जो भी हो आप इधर पे दे दें, स्ट्रीट में भी जो भी जगह हो उसका नाम दें, ठीक है ना। और ऐप सूट इसको छोड़ दें, सिटी जो है सिटी को भी इधर पे आप एंटर करें, जो भी सिटी आप एंटर करवाना चाहते हैं, लेकिन इसको हाल ही नहीं छोड़ना। पोस्टल कोड आपका जो डाकखाने का कोड होता है वो होता है, लेकिन इसमें आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा, ठीक है ना, सही पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं है। तो इधर पे मैंने ये लिख दिया और इसको लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इसके ऊपर वर्क जारी है और ये भी इधर से ऐड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए मोर पेमेंट सेटिंग पे जाएं। मोर पेमेंट सेटिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर पे थोड़ा सा टाइम भी आपसे ले सकते हैं। और अगर आपके पास इधर से डायरेक्ट निकल नहीं आता, ठीक है ना, तो आप लोग सीधे जाएं गूगल क्रोम में जाएं। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर google.com को सर्च करें, ठीक है ना। google.com को मैंने सर्च किया और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मैनेज यूअर गूगल अकाउंट्स पे जाएं। मैनेज यूअर गूगल अकाउंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन लेकर नज़र आएंगे। तो इधर पे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में जाएँ। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पर मैनेज पेमेंट मेथड्स में जाएँ। तो मैनेज पेमेंट मेथड्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे देखें जो हमारा यूफोन का पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर ऐड होगा। और यहाँ पर रिमूव पे एक बार क्लिक करें और इधर पे थोड़ा सा वेट करें और दूसरी बार क्लिक करें तो ये मेथड जो है वो इससे ख़त्म हो गया, ठीक है ना, रिमूव हो गया। और इसके अलावा इस दूसरे में और इसको रिमूव करने के लिए इधर पे मोर पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करें और ये डायरेक्टली हमें गूगल क्रोम पे रिडायरेक्ट करेगा। इधर पे अब मुझे इस ईमेल को चेंज करना होगा क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो दूसरे जीमेल पे ये तरीक़ाकार मैंने ऐड किया है इसी वजह से। तो पेमेंट मेथड्स में मैं जाता हूँ इधर से, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना।
रिमूव पे क्लिक करें तो ये पेमेंट मेथड भी इधर से रिमूव हो गया है। लेकिन ये याद रखें, जिस ईमेल के ऊपर आपने पेमेंट मेथड जो है वो ऐड किया है, उसी ईमेल से आपको चाहिए कि आप अपने जो है वो इधर पे गूगल क्रोम में भी वो ईमेल आपके पास साइन इन हो, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये था प्ले स्टोर में यू फोन बैलेंस को ऐड करने का तरीकाकार। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल की ऊपर फर्स्ट आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।